हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रोज की तरह टिप और ट्रिप आप सभी के लिए कुछ ऐसी लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाले हैं, पैसे भी। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से, जो चैन होता है आपने देखा होगा कि ये गोल्ड है, गोल्ड तो वैसे भी काफ़ी महंगे आते हैं, तो हम सभी जब चैन पहनते तो आपने देखा होगा जो चैन का कुंदा होता है इसमें कभी बाल उलझ जाता है। अगर बाल उलझ जाता है कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, उस खिंचाव में इसका कुंदा भी खुल जाता है और दोस्तों ज़्यादातर इसमें बाल भी उलझते हैं। और कैसे भी जैसे सूट वगैरह का धागा निकला है या साड़ी का धागा निकला हुआ है तो वो भी फंस जाते हैं। तो बहुत ईजी और आसान तरीका ये है कि बस ये सेलो टेप ले लेना है, पतला वाला मैंने लिया हुआ है। बस ये जो चैन का कुंदा है यहाँ पे लगाते हुए एक से दो बार इसको मुझे अच्छी तरीके से इस पर लगा लेना है। इससे लगाने से क्या होगा दोस्तों कि ये जो चैन का ये कुंदा है अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा और दूसरी बात ये गिरने का डर भी नहीं रहेगा कि अगर कुंदा हमारा अगर थोड़ा बहुत भी लूज है, यहाँ से अगर मुँह भी खुल गया तो गिर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इससे हमारा जो चैन है काफ़ी ऑर्गेनाइज बन के हमारे गले में पड़ा रहेगा, मतलब अच्छी तरीके से बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल खुलने का डर नहीं है और ना ही ये चैन आपका खोने का डर है। जी हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिप है, इस ट्रिप को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आई होप दोस्तों कि ये ट्रिप भी आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो रबड़ होता है, रबड़ बैंड, दोस्तों हम सभी के घर में ये रबड़ बैंड तो होता ही है, लेकिन ये बच्चे हैं बड़े हैं, कोई कोई बड़े भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके का रबड़ बैंड ही इस्तेमाल करती हूँ और बच्चे भी करते हैं। तो आपने देखा होगा इसको यूज करते करते इसकी जो लास्टिक होती है ना काफ़ी लूज हो जाती है। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसा एक ट्रिक लेके आई हूँ कि गिलास में सबसे पहले तो जितनी लास्टिक लूज है आपको डाल लेना है, डालने के बाद गुनगुना पानी ले लेना है, थोड़ा तेज़ गर्म पानी ले लेना है और इस गिलास के अंदर पानी को डाल लेना है। अब देखिए मैंने पानी को डाल लिया है। अब यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। अगर टाइम है तो और टाइम तक के छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, छोड़ने से जो लास्टिक लूज है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से टाइटली हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें से निकाल के लास्टिक की कितने हद तक की टाइट हो चुकी है। तो दोस्तों आप इसको और टाइम तक के रख सकते हैं, तो मैं अभी ट्रिप बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा मैं कम टाइम दिखा सकती हूँ। तो इसको अगर इस तरीके से आप देखेंगे ना, काफ़ी ये जो लास्टिक है काफ़ी हार्ड हो चुकी है। तो इसको तो मैं रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन जब मैंने ये वाक्यू में जब पानी में डाला ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं ये ट्रिप आप में भी शेयर किया कि बच्चे के साथ भी ज़्यादातर क्या होता है कि जो लास्टिक होता है लूज हो ही जाती है। तो दोस्तों यकीन मानिए जितनी भी लास्टिक जब लूज होती है ना, तो आपको यही ट्रिप आजमाना है कि बस गर्म पानी में आपको जितने रबड़ बैंड है आपको डाल देना है। अब इससे डालने से आपका ये जो रबड़ बैंड है बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको क्या करती हूँ, गिलास में से निकाल देती हूँ बाहर। अब निकालने के बाद मैं आपको जितनी भी लास्टिक ढीली थी मैं इन सबको हाथ में ले ली। जैसे कि तीन लास्टिक मैंने लिया हुआ था, ये काफ़ी टाइटली हो चुकी है। अब ये तो मेरा पहले से थोड़ा सही था, तो अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये छोटे छोटे ट्रिप और एंड ट्रिप आपके ज़रूर काम आएंगे, तो इस ट्रिप को आप भी एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब दोस्तों ये जो बैंगल्स होते हैं जब हम मार्केट से नए नए ले कर आते हैं या फिर रखे रखे हमारा कुछ ही कलर फेड होने लगता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जब भी आप मार्केट से इस तरीके के कड़े लेके आते हैं, पार्टी वेयर इस तरीके के जो कड़े रहते हैं ना, हम इसको बहुत ही कम पहनना इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज में बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। तो बस मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा ट्रिप लेके आई हूँ कि इस तरीके का जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होता है बस क्या करना है, बस ये जो स्टोन वाले कड़े होते हैं इसके ऊपर मुझे अच्छी तरीके से इसको बस ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट दोस्तों कहीं भी कॉस्मेटिक की दुकान पे मिल जाएगा। अब इसको इसी तरीके से आप लगा लेंगे, अब देखेंगे कि ये जो गोल्डन के तार लगे हुए हैं ना ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब देखिए इसके लगाने से ना इसका ये जो कड़े का लाइफ टाइम काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा और देखने में कोई भी नहीं कहेगा कि हमारा कितना पुराना कड़ा है। और दोस्तों ये तो मेरा बहुत ही पुराना है, मैंने इस पर एक से दो बार ये ट्रांसपेरेंट जो नेल पेंट है मैंने लगा लिया है। यकीन मानिए दोस्तों कि ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है, इससे इसकी जो सेनिंग है ना काफ़ी अच्छा भी हो जाता है और जो इसमें कुछ तार वगैरह लगे हुए हैं गोल्डन कलर के
वो काले हो जाते हैं, तो इससे लगाने से बिल्कुल भी काले नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये छोटा छोटा टिप और एंड ट्रिप आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही कमाल की ट्रिप है दोस्तों। अब एक बार आप इस ट्रिप को ट्राई करेंगे ना, तो आपको खुद ही यकीन आ जाएगा कि इसमें मैंने क्या सही बताया है क्या गलत बताया है। यकीन मानिए ये बहुत ही परफेक्ट आइडिया है। तो मैं इसी तरीके से जितने मेरे स्टोन वाले कड़े होते हैं मैं इसी तरीके से इसको लगा के रखती हूँ कि इससे जो हमारे मतलब ये पार्टी वेयर कड़े वगैरह होते हैं बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी जो शाइनिंग है काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और मेरे पास ये हल्के थोड़े स्टोन वाले कड़े हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी भी काफ़ी शाइनिंग अच्छी हो जाती है इस तरीके से लगा के। अब इस पर मोती लगी हुई है, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो मैंने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाया हुआ है ये मोती के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यकीन मानिए ये जो मोती है ना ये ट्रांसपेरेंस लगाने से मोती भी नहीं ख़राब होगा। तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने इसी तरीके से मैं अपने मोती पे भी लगा ली हूँ और स्टोन पे भी लगा ली हूँ और इसी तरीके से मैंने लगा लिया है। अब इसको रख दूँगी सूखने के लिए, जब सूख जाएगा तो आप जिस भी डिब्बे में रखते हैं आप इसको रख सकते हैं। तो कितने दिन भी रखेंगे आपका ये कड़ा चूड़ी जो भी है ना स्टोन वाले बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। आई होप दोस्तों छोटे छोटे टिप और ट्रिप आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए ये सेव खाना किसको नहीं पसंद है दोस्तों, जब भी आप सेव खाते हैं ना तो मैं आप सभी के लिए बहुत यूजफुल ट्रिप लेके आई हूँ कि इस ट्रिक को आप देखने के बाद ही सेव को खाइए। अब देखिए जब पहले सेव लाते हैं तो हम क्या करते हैं इसको धोते हैं, और धोने के बाद ये जो रैपर रहता है इसको हम उतार के ही खाते हैं। तो सेव को उतार के ही इसकी जो चिट है सेव को उतार के खाते हैं। अब देखिए सेव वाले भैया ने यहाँ से सेव ख़राब हो रखा है, इसके ऊपर ही चिट लगा दिया है कि मतलब ग्राहकों को बिल्कुल भी नहीं पता चले। तो अब दोस्तों छोड़िए ये बात, मैं अब देखिए मैं इसमें क्या बताने वाली हूँ। अब देखिए मैंने चाकू भी बिल्कुल फ्रेश चाकू लिया हुआ है, बिल्कुल चाकू मेरे कुछ नहीं लगा हुआ है, अब मैं बिल्कुल भी कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ। अब चलिए तो सेव को देख लेते हैं इसका खाने का और तरीका। दोस्तों सेव हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन जब भी आप सेव लेके आते हैं ना तो सेव में अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि मैं इसमें से क्या निकाल रही हूँ। केमिकल, जिस केमिकल में वो डालते हैं इसकी लाइट शाइनिंग के लिए ग्राहक देख के इस सेव को ले, तो दोस्तों बिल्कुल वही है। आप इसको मोम समझिए या कोई और केमिकल समझिए, इसको ऐसे चीज़ में डालते हैं कि ये जो मोम ये जो एप्पल के ऊपर है अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। अब देखिए जब हम इसको अनदेखा कर जाते हैं, हम इसको ऐसे खाते हैं ना, तो हम इसको खाने के तो खा लेते हैं लेकिन हमारे शरीर में एक एंटीबायोटिक बीमारियाँ भी हो जाती है और हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, और धीरे धीरे हमारे शरीर में कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों जब भी आप सेव लेके आते हैं तो इसको सबसे पहले चाकू इसके ऊपर अप्लाई करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब देखिए मैं बिल्कुल ही मतलब ये जो छिलका है बिल्कुल इस पर जोर नहीं लगा रही, मैं हल्के हाथ से ही जितना है ना इसको, मैं कल काट रही थी अपने बेटे के लिए तो मैंने देखा कि इस पर वाइट वाइट बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगा। तो मैंने ये इसी तरीके से इसको सेव के जो छिलके के ऊपर मैंने अच्छी तरीके से चाकू से साफ़ करके, और मैंने अच्छी तरीके से इसको मैं आगे भी बताऊंगी कि मैंने कैसे किया इसको। तो आप देख पा रहे होंगे फ़िलहाल मैंने दो सेव रखा था आपको दिखाने के लिए, तो इसी तरीके से सेव के ऊपर ही काफ़ी वाइट वाइट छूट रहा है, जैसे कि मोम होता है या इसके ऊपर कोई केमिकल लगाते हैं इसकी लाइट शाइनिंग के लिए कि सेब देखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों सेब का सीजन है तो किसको खाना नहीं पसंद होगा, तब आप देख लीजिए खाने से पहले आप देख लीजिए कि सेब में कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह निकल रही है। तो दोस्तों जब भी आप सेब ले आते हैं ना तो इसको सबसे पहले यही ट्रिक आजमाना है कि इसको या तो चाकू की हेल्प से आप इसको अच्छी तरीके से रफ कीजिए, और रफ नहीं कर सकते हैं तो आपको मैं एक और भी ट्रिक बताऊँगी कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए सारा मैंने साफ़ कर लिया है, अब इसका दूसरा ट्रिक बताती हूँ कि एक पैन में मैंने पानी ले लिया है, और अब देखिए गुनगुना पानी लिया हुआ है मैंने, जो एप्पल है ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। दोस्तों खाने से पहले सेव को क्या करना है, गुनगुने पानी में डाल देना है, और गुनगुने पानी में डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से रब कर लेना है, जितना भी इसके ऊपर ऑयल टाइप में और क्या है कि जैसे कि मोम टाइप में चिपका हुआ है ना बिल्कुल इजीली तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, इस तरीके से साफ करके खाएंगे तो हमारे शरीर में एक भी कुछ ऐसी एंटीबायोटिक बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इस तरीके से खाने से हमारे शरीर में बीमारी नहीं होगी और हम स्वस्थ रहेंगे तंदुरुस्त रहेंगे। अब देखिए मैं छोड़ा रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है, तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
और दोस्तों मैं आज का ट्रिप यहीं पे एंड भी करती हूँ। अगर इनमें से टिप और एंड ट्रिप अगर आप सभी कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।